For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. क्या बोनी कपूर को मिल गया है उनका नया राधे? साल 2009 में आई सलमान खान की फिल्म वांटेड बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसके बाद सलमान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद वांटेड के सीक्वल को सलमान सालों से टालते आ रहे हैं और इसके पीछे वजह है प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बेटे अर्जुन से सलमान की नाराजगी। पर अब बोनी कपूर ने भी और इंतजार ना करने का फैसला ले लिया है। सोर्सेस के मुताबिक बोनी कपूर ने टाइगर श्रॉफ के साथ वांटेड 2 बनाने का फैसला लिया है और अब ये तो कहने की जरूरत नहीं रहती कि बागी 2 के बाद से ही टाइगर श्रॉफ की गिनती इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्शन हीरोज में से होती है। ऐसे में टाइगर को वांटेड के सीक्वल में देखने का इंतजार तो हर किसी को होगा, क्यों है ना दोस्तों? इस बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन इन दिनों एक फिल्म साइनिंग स्प्री पर हैं, खास करके बायोपिक। जहां कुछ समय पहले अजय ने चाणक्य के बायोपिक का ऐलान किया था, वहीं अब अजय देवगन एक और बायोपिक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन लेजेंडरी फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के किरदार को बड़े पर्दे पर निभाते दिखाई देंगे। हालांकि अभी तक स्पोर्ट्स बायोपिक की टाइटल फाइनलाइज नहीं हुई है, पर इसे डायरेक्टर अमित शर्मा डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपनी डेब्यू फिल्म बधाइयों की शूटिंग खत्म की है। बताते चले, इस अनटाइटल्ड स्पोर्ट्स बायोपिक को बोनी कपूर, जी स्टूडियोज और फ्रेश लाइम स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस करने वाले हैं। वैसे अजय देवगन को एक फुटबॉल कोच बने बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार तो जरूर होगा।